हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे जो लिखा हुआ है ठीक उसी का रेसिप्रोकल यहां पे लिखा हुआ है। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट 7x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3 को y एज्यूम का अगर कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये काफी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा 3y माइनस 4 बाई y इक्वल टू 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको y एज्यूम कर रहे हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, y का वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा उसको वापस यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन y इक्वल टू 11। फिर ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 11y, ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, चाहे यहीं लिखते हैं इसको, 3y कॉमन आ गया तो ये बच गया y माइनस 4 और यहाँ पे 1 कॉमन आ गया तो ये आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आ गया 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। वाई का दो वैल्यू आ गया, y हमने एज्यूम किया था इसको, तो y की जगह y का वैल्यू पुट कर देंगे, y के प्लेस पे हम लिखेंगे 7x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3 इक्वल टू 4 और इस y के प्लेस पे फिर से लिखते हैं 7x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ सेम x का वैल्यू मिल जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 7x प्लस 1 इक्वल टू 5 4 20x माइनस 12 और 7x माइनस 20x इक्वल टू माइनस 12, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 13x इक्वल टू माइनस 13, x इक्वल टू माइनस 13 अपॉन माइनस 13, तो ये कट गया ऊपर नीचे, x का वैल्यू आ गया 1 और यहाँ पे क्या होगा 7x प्लस 1 इक्वल टू, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 7x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 इंटू 5x माइनस 3, ये हो गया 21x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 3, ये 5x इधर आ गया तो ये हो गया 26x और ये हो गया 3 माइनस 3 तो 26x इक्वल टू 0, तो फिर x का वैल्यू भी हो जाएगा 0 बाई 26, तो x इक्वल टू 0, तो x का एक वैल्यू आ गया 1 और x का वैल्यू आ गया 0, ठीक है।